सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ऐ जिंदगी मुश्किलों के सदा हल दे, थक न सके हम फुर्सत के कुछ पल दे। दुआ यही है जिंदगी से कि सबका हो सुखद आज और उससे भी बेहतर कल दे। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाकर रखना ही श्रेष्ठता है। आज का पंचांग 27 मई 2021 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि, दोपहर 1:02 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र राति 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:03 से 3:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 10:29 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 27 मई 2021 दिन गुरुवार, आप कई जवाबों को ढूंढ रहे हैं, शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगे। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है, अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। माता के समान कोई स्त्री खुद का विश्लेषण करने वाले चरण में आपकी मदद कर सकती है। अच्छा, आपको अपना काम सुखद लगेगा, आप कोशिश कम करेंगे किंतु उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आपके मित्र और प्रियजन आपको अच्छी सलाह देते हैं, अपने ध्यान को केंद्रित रखें और प्रयास करते रहें। बोलने से चुप रहना बेहतर है, अधिकतर ज्यादा बोलने वाले जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं। ग्रह गोचर अनुकूल है, आपकी कोई आर्थिक योजना फलीभूत हो सकती है, अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगा। पैसों संबंधित महत्वपूर्ण व्यवहार आज आपके द्वारा किया जाएगा, जिसकी वजह से लक्ष्य प्राप्ति का आनंद तो होगा, लेकिन भविष्य संबंधित थोड़ी चिंता भी सता सकती है। फिलहाल मिल रही आनंद के प्रति पूरा ध्यान दें और अपनी प्रयत्न जारी रखें। आप योग्य दिशा में प्रगति कर रहे हैं। काम संबंधित बातों के लिए परिवार के लोगों से दूर रहना आपका काम से ध्यान हटा सकता है। विवाह संबंधित आ रहे रिश्ते इच्छा के अनुसार न होने के कारण नाराजगी होगी। पेट संबंधी समस्या हो सकती है, पानी का उचित मात्रा में प्रयोग करें। सावधानियां, व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार का रिस्क न लें। किसी भी मीटिंग आदि में वार्तालाप करते समय रूपरेखा अवश्य बना लें, क्योंकि इस समय कोई भी नकारात्मक बात करना आपके लिए पछतावा भी पैदा कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। रोमांस और यौन सुख आपकी जरूरत है, जिसे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा नाना के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल भी आपको जाना पड़ सकता है। अपने साथी को अपने प्यार का सबूत देना ना भूलें और इसके लिए आपका एक किस या आलिंगन ही काफी है। अच्छा, आपको दूसरों की सहायता मिलने की पूरी संभावना है। जब बात आकर्षण की आती है तो आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता सबको लुभा जाती है और यही कारण है कि आपके साथ को सब पसंद करते हैं। रोमांस के लिए यह समय सोने पर सुहागे की तरह है, बस आपको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने हैं। बात करते हैं करियर की।
अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। सपने पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। इस समय दीर्घकालीन निवेश ना करें, इससे हानि होने की संभावना है। आज आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, इस चरण में आपको लाभ होगा क्योंकि आपके आसपास के लोग और वातावरण आज बेहद सकारात्मक हैं। आपका जीवन अब सुगम होगा, लोगों की सुने इससे लोगों को अच्छा लगेगा और आपको भी ज्ञान प्रॉपर होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पूरे मन के साथ आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। किसी भी शारीरिक परेशानी का कारण ढूंढें और अगर जरूरत हो तो डॉक्टरी सलाह भी लें। स्वयं उपचार से आपकी तबीयत में सुधार होगा। आप बीमारी के कारण का पता लगाएंगे, अन्यथा वह फिर से बढ़ सकती है। आज का उपाय, आज आप सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।